2022 में इंडिया ने फिलीपींस के साथ अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डील को लॉक किया था और 375 मिलियन डॉलर के इस कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया ब्रह्मोस के शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की दो यूनिट्स को डिलीवर करेगा और जिसकी डिलीवरी की कमिटमेंट इंडिया ने 2024 के अंत तक की की है और अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स में इंडिया ब्रह्मोस को थाईलैंड में भी पिच कर रहा है और इस हफ्ते 6 से 9 नवंबर के दौरान बैंकॉक में एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी इवेंट हुआ जिसमें इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटीज को आगे रखा बात करें इस डिफेंस एंड सिक्योरिटी इवेंट की तो थाईलैंड में हर दो साल बाद इस इवेंट को कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं वहाँ पर हर तरह के डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स जैसे कि गन्स मिसाइल्स वेपन सिस्टम्स टैंक्स अनमेंड एरियल व्हीकल्स सैटेलाइट्स आर्मर्ड एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी और अदर रिलेटेड इक्विपमेंट्स को शो किया जाता है और हर एग्जिबिटर वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर सकता है और 2023 के इस इवेंट में वर्ल्ड की 278 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया जिसमें इंडिया की ब्रमोज एरोपेस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एलएनटी जैसी 41 कंपनीज भी शामिल थी और वहाँ पर थाईलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री की हाई लेवल डेलीगेशन मीटिंग में ब्रह्मोस एरोस्पेस की प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट ब्रांच के डायरेक्टर प्रवीण पाठक ने ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटीज और उसमें की गई नई डेवलपमेंट्स को आगे रखा और ब्रह्मोस मिसाइल के एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई, जिसमें कहा गया कि थाईलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटीज को काफ़ी अप्रिशिएट किया और उसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाया और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ब्रह्मोस को फर्स्ट टाइम थाईलैंड में पेश किया है 2018 में रॉयल थाई नेवी के चीफ एडमिरल रुदित ने अपनी इंडिया विजिट के दौरान ब्रह्मोस में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था और तब से ही इंडिया और थाईलैंड की इस पर डिस्कशंस चल रही हैं बात करें ब्रह्मोस की तो ये इंडिया की डी और रशिया की एन पी के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है और इस ज्वाइंट वेंचर को 1998 में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ब्रह्मोस नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्क रिवर से लिया गया है और ब्रह्मोस का पहला लॉन्चिंग टेस्ट 2001 में किया गया था इसके बाद सबसे पहले इसको 2005 में नेवी में डिप्लॉय किया गया और देन इसको 2007 में आर्मी में और 2020 में ब्रह्मोस को इंडियन एयरफोर्स की टाइगर शार्क स्क्वाड्रॉन की के सोई थर्टी जेट्स पर डिप्लॉय किया गया ब्रह्मोस मिसाइल के आर्मी एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग वर्जनस हैं जैसे कि आर्मी के लिए सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स टू टारगेट हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स को जनरली एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है और तीसरा है सरफेस टू सी मिसाइल्स टू टारगेट शिप्स और इसके बाद एयरफोर्स के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स टू टारगेट एयरक्राफ्ट्स और एयर टू सरफेस मिसाइल्स सरफेस और सी के टारगेट्स के लिए इसके बाद नेवी के लिए सी सी टू सी मिसाइल्स टू टारगेट शिप्स और सी टू सरफेस मिसाइल्स और ब्रह्मोस का एक एंटी टैंक मिसाइल वर्जन भी है जिसको हैवी आर्मर टैंक्स को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको लैंड और एयर दोनों से लॉन्च किया जा सकता है इसके अलावा ब्रह्मोस की रेंज के बेसिस पर भी इसके अलग अलग वर्जनस हैं जैसे कि शॉर्ट रेंज मिसाइल मीडियम रेंज मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और चौथी है इंटरकॉन्टीनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटर कॉन्टीनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज और रीच सबसे ज़्यादा है इसकी स्पीड की बात करें तो ब्रह्मोज सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल दो से तीन मैक की स्पीड पर ट्रेवल कर सकती है तीन मैक की स्पीड का मतलब ये एक किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल कर सकती है इसके अलावा ब्रह्मोज एरोस्पेस स्पेस ब्रह्मोज की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के मॉडल पर भी काम कर रहा है जिसकी ट्रैवलिंग स्पीड पाँच मैक होगी डबल द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसके अलावा यह 300 किलो तक के वॉरहेड लोड को कैरी कर सकती है और ग्राउंड से कम से कम 10 मीटर की रेंज से ले 15,000 मीटर तक के एल्टीट्यूड तक ये ऑपरेट कर सकती है और ग्राउंड के बिल्कुल पास ऑपरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी इसको एयर डिफेंस सिस्टम के डिटेक्शन सिस्टम से बचाती है सो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बन चुका है और पिछले कुछ टाइम में कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि वियतनाम सिंगापुर मलेशिया और इसके अलावा साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका यू जैसी कंट्रीज भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थी और 2022 में फिलिपेंस के साथ डील के बाद ब्रह्मोस को अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला फिलिपेंस के साथ एक और डील भी पॉसिबल हो सकती है बल्गेरियन मिलिट्री न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग फ़िलिपिन आर्मी की ब्रह्मोस सिस्टम की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी प्रोसेस में है और आने वाले टाइम में फिलिपिन आर्मी के लिए लैंड ब्रह्मोस के लैंड बेस्ड वर्जन्स की दो यूनिट्स का ऑर्डर इंडिया को मिल सकता है इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडोनेशिया के साथ भी डिस्कशंस में चल रहा है और आने वाले टाइम में 200 से 300 मिलियन डॉलर की डील पॉसिबल हो सकती है सो फ्यूचर में ब्रह्मोस की दो और डील पॉसिबल हो सकती हैं बात करें थाईलैंड की तो थाईलैंड की मिलिट्री लेड गवर्नमेंट की वजह से चाइना के साथ थाईलैंड के काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं बट अभी सिविलियन गवर्नमेंट के दोबारा सत्ता में आने के बाद थाईलैंड अभी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने की सोचेगा बट ये कहना भी गलत होगा कि थाईलैंड के लिए चाइना की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि नई सिविलियन गवर्नमेंट एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलेगी और इंडिया को अपनी ब्रह्मोस थाईलैंड को सेल करने के लिए अपनी पूरी डिप्लोमेटिक फोर्स लगानी पड़ेगी